हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे पर्सन इन न्यूज़ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं एम एस स्वामीनाथन जी से रिलेटेड, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है 28 सितंबर को। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्होंने क्या क्या किया है कंट्री के लिए, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। और एज एन एस्पिरेंट, UPSC एस्पिरेंट के तौर पर हमें इनको जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ओके, पहला एक चीज़ आपको देखना है, इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। एज़ यू नो, इनकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है। ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। ये लाइन याद रखनी है आपको कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है हिंदी में, अगर आप कह लो। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। एज ऑफ 98, इनकी 98 ईयर्स की एज थी। अब एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इनका जो, ये बॉर्न हुए थे 7 अगस्त 1925 को, और तमिलनाडु में इनकी जो जन्म हुआ था, इनका तमिलनाडु में हुआ था। और इन पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल का, और एक तरीके से जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस रहा महात्मा गांधी जी का, उसका भी इन पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। ओके, अब और चीज़ यहाँ पे देखें तो क्या कहा जा रहा है, सर्व्ड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR, मतलब इन्होंने डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम किया है ICAR में। और इन्होंने इंडिपेंडेंट चेयरमैन भी रह चुके हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा है, क्या क्या रहा है। तो यहाँ से आप देखो कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इनका ग्रीन रेवोल्यूशन में रोल रहा, एज अ हमने अभी भी देखा जब इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो ऑब्वियसली इनका ग्रीन रेवोल्यूशन में जो रोल है वो है हाई ईल्डिंग व्हीट एंड राइस वर्क विद फार्मर मोलॉग इन द डेवलपमेंट हाई ईल्ड व्हीट एंड राइस वैरायटी। और उसके बाद आप ये जान लो कि हाई ईल्डिंग व्हीट एंड राइस के लिए भी इन्होंने काम भी किया था नॉर्मन बोरलॉग के साथ, डेवलप करने के लिए हाई ईल्डिंग व्हीट और राइस के लिए। ठीक है, तो हाई ईल्ड हो व्हीट और राइस वैरायटी की, इसलिए इन्होंने नॉर्मल वर्लॉग के साथ काम भी किया था। ये लाइन आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। और इन्होंने फार्मर वेलफेयर के लिए भी काम किया है, और कुछ रिकमेंडेशंस भी इनके द्वारा दिए गए हैं, जैसे इन्होंने MSP के लिए रिकमेंडेशंस दी है। अब यहाँ से ये उठता है कि MSP है क्या। मोस्ट ऑफ द लोग जानते होंगे, जो बिगिनर्स हैं, जो नहीं जानते वो जान ले। MSP इज़ द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर, मतलब MSP रेट होता है एक जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है, जैसे उसके लिए सीरियल्स के लिए, ठीक है, वीट के लिए, इस सब के लिए, मतलब गेहूँ और इन सब के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स करी जाती है। जो वो पर्टिकुलर प्राइस होता है उससे ज़्यादा मार्केट में क्या होता है, लोग खरीद सकते हैं फार्मर से, पर उससे कम कोई नहीं खरीद सकता। मतलब जो एक फ़िक्स रेट तय किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई है, उससे नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा। मतलब एक तरीके से ये एक इंश्योर कर दिया जाता है फार्मर को कि उनको इससे नीचे में कोई नहीं लेगा, और वो गवर्नमेंट को भी क्या कर सकते हैं, उस रेट पर बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर उनसे डायरेक्टली फार्मर से उस जो रेट फिक्स किया है उस पर ख़रीद लेती है जो भी अनाज और जो भी ये सब चीज़ें होती हैं फूड ग्रेन्स। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट, 1 मिनट। ओके, तो इसमें बात क्या की जा रही है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोडाइवर्सिटी GOMB की बात की जाती है। गल्फ ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी GOMB, केरला, कुटनाड। तो एक चीज़ और यहाँ से देखनी है, यहाँ पे बात की जा रही, इसको जो ये बात बताई गई है यहाँ पे, केरला कुटनाड नोन, इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल कल्टीवेशन ऑफ पैडी और बिलो सी लेवल एंड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से याद रखनी है। इस्टैब्लिश, क्या इस्टैब्लिश किया गया, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। ये लाइन याद रखनी है कि क्या इस्टैब्लिश किया गया है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSRF 1988 में इस्टैब्लिश किया गया। और किस चीज़ के लिए इस्टैब्लिश किया गया, प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इस्टैब्लिश किया गया। और फोकस किस पे किया गया है, ऑन ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटी, मतलब फोकस किया गया जो ट्राइबल पीपल्स हैं और रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रो पुअर, प्रो वुमेन
एंड प्रो नेचर अप्रोच के साथ, ठीक है, ऑन ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटी विद अ प्रो पुअर प्रो वुमन एंड प्रो नेचर अप्रोच अपनाया गया है। तो ये लाइन हम लिख सकते हैं क्योंकि एम एस स्वामीनाथन जी की भी डेथ हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है कंट्री के लिए, तो हो सकता है अगर चीज़ें आएँ तो ये सब लाइनें आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो। इनको ऑनर भी किया गया है, मतलब इनको सम्मानित किया गया है, आप देख लो इनको सम्मानित किया गया है किन किन चीज़ों से, ये यहाँ पर याद रखना है आपको। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट रहे हैं ये 1987 में, पद्मश्री इनको मिला है 1967 में और पद्म भूषण मिला है 1972 में, पद्म विभूषण इनको 1989 में मिला है, ठीक है। तो ये जानना है आपको इम्पॉर्टेंट कि इनको फूड प्राइज लॉरिएट कब मिला है 1987 में और पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण, ठीक है। तो पहले तो आप याद कर लो, पद्म श्री भी मिल गया है, भूषण भी मिल गया है और विभूषण भी, मतलब तीनों पद्मा अवार्ड इनको मिल चुके हैं, किसको, एम एस स्वामीनाथन जी को। वेरियस इंटरनेशनल ऑनर भी मिले हैं जिसमें इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, सारे एस्पिरेंट को पता होगा, रेवन मैगसेस अवार्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है इंटरनेशनली, तो इसको भी ये इनको मिल चुका है ये 1971 में, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इनको मिल चुका है 1987 में और साइंस अवार्ड 1986 में मिल चुका है। तो ये तीन अवार्ड भी इनको क्या हुआ है, मिल चुका है, मतलब इंटरनेशनल भी, पर ये बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, ये आप सबको ऑलरेडी पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी और साइंस अवार्ड भी इनको मिल चुका है और तीनों पद्मा अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं और वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट भी मिल चुका है। और आपको क्या क्या जानना है कि इन्होंने क्या किया है, फूड ग्रेन्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, MSP के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी हुई है, हाई यील्डिंग वीट और राइस के लिए इन्होंने काम किया था नॉर्मन बोरलॉग के साथ। और आप यहाँ कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस वजह से जानते हैं, उन्होंने किस फील्ड में काम किया है जिसकी वजह से हम उनको पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनका रोल रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन में, ठीक है, और इन महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस्ड थे ये बहुत सारी चीज़ों के लिए और इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो MS स्वामीनाथन जी के बारे में हमको जाननी थी। तो बस ऐसे ही पर्सन इन न्यूज़ और प्लेसेस इन न्यूज़ भी होगा तो वो हम अलग प्लेलिस्ट बना के करेंगे। तो बस ये आज का था जो हमें डिस्कस करना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं और ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।